मैं आज उपस्थित हूँ अरवल जिले के ये बंसी प्रखंड के अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है गाजीपुर, और गाजीपुर के मैं वार्ड नंबर 8 में उपस्थित हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये महादलित टोला है, और इस टोले में किस प्रकार से ये गली है। आज इस बरसात की स्थिति में ये जो लोग यहाँ के हैं उनको आने जाने का कितनी परेशानियां हैं आप देख सकते हैं। कैमरामैन से मैं चाहूंगा कि दिखाएंगे इस जो जर्जर स्थिति है इसको दिखाएंगे। बाकी मैं यहाँ पे कुछ लोगों से बात करना चाहूंगा कि आजादी के 70 साल हो गए और अभी तक यहाँ पे क्या कारण है जो विकास नहीं हो पा रहा है। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम है रोशन कुमार। आप ये बताएंगे कि जो आपके इस मोहल्ले में ये गली का स्थिति है ये कब से चलता आ रहा है? कब से चल रहा है? जब से हम जन्म लिए हैं तब से तो यही हाल देख रहे हैं। आपके इस पंचायत के जनप्रतिनिधि यहाँ से जीत कर जाते हैं वो आपके लिए क्या किए हैं? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? तो क्या उनके लिए आप लोग जिस प्रकार से वोट देते हैं और वोट देकर वो यहाँ से जीत कर चले जाते हैं, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई की है आप लोग? कार्रवाई तो केवल की है, कभी भी नहीं सुनता। यानी इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि हम लोग को महादलित समझकर हम लोग को जो प्रतिनिधि यहाँ पंचायत के मुखिया हैं वो हमारी बात को, ये महादलित टोला की जो भी लोग हैं उनकी बात को वो सुनना पसंद नहीं करते हैं। वो बोलते हैं आपके क्षेत्र में काम नहीं होगा क्योंकि आप लोग यहाँ पे हमको वोट नहीं दिए हैं। चलिए मैं कुछ और ग्रामीण यहाँ पे हैं उनसे मैं बात करूँगा, कुछ लोग हैं उनसे मैं जानना चाहूँगा। सर आप बताएंगे अपना नाम? सरजू दास। आप ये बताएंगे कि आपके इस मोहल्ले में और कौन सा ऐसा परेशानियां हैं जिससे आप लोग को उसे अभी तक दिक्कत हो रहा है? हाँ, हम लोग का चलने फिरने से लाचार है, बाल बच्चा बाल बच्चा फेंकन फेंकन जैसे नली में गिर जा रहा है, बहुत कष्ट है। हम लोग का दलित समझ के न मुखिया हम लोग के काम करता है, जाते हैं मुखिया भी तो कहता है कि हम आप लोग का मुखिया नहीं, हमको तुम वोट दिया है कि हम काम करेंगे, ऐसे ऐसे बोलता है। न विधायक देखने आता है न मुखिया देखने आता है, और हम लोग दुख से निपट रहे हैं। यानी आप देख सकते हैं इनका भी यही कहना है कि जो यहाँ का जनप्रतिनिधि हैं, जो इस पंचायत का मुखिया हैं, उनका ये महादलित समझकर इनकी बातों को नहीं सुनते हैं। और वो उनका कहना है कि मैं उस क्षेत्र में आपके मोहल्ले में काम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आप लोग वोट नहीं दिया है। तो मैं इस जो आज इस बिहार के सरकार हैं उनसे मैं ये मांग करना चाहूँगा कि क्या लोगों को दलित और महादलित कहकर इस प्रकार से सताया जाए तो किस प्रकार से लोग जनप्रतिनिधि को चुनेंगे। यहाँ पे देखिए एक बूढ़ी दादी है उनसे मैं जानना चाहूँगा क्या आपका समस्या है? समस्या तो है कि बुढ़ाऊ एक थोस गेल न वह ने अच्छे पोता पोती है तो दो ये ना अखर में गिरी है। यानी इनका कहना है कि आप देखिए जिस प्रकार से ये जो गली का स्थिति है पाको पूरा बना हुआ है, उसमें लोग आते हैं गिर जाते हैं, कभी भी इसमें गिर के पैर या हाथ टूट सकता है। तो इस प्रकार से इस गांव का ये महादलित टोला का स्थिति है।